तो हम आए बांके बिहारी मंदिर, देखो यहाँ कितनी भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हैं बाजार मार्केट है। आगे करते हैं दर्शन बांके बिहारी के, रात को भी करवाते हैं तो बने रहिए रात में, फिर आपको दिखाएंगे तस्वीरें कैसी आ रही है। माला कमल का बच्चा, माला कमल का माला, ये देखो बैग बैग खंडन चलते हैं मंदिर पर, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखो गाय भी बैठी है पीछे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे तस्वीर। ठीक है, ये देखो बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन।
कितना बड़ा है राधा कुंड, ये पूरा राधा कुंड है। चलो वापिस चलो, कोई नहीं और क्या डाल दो यार, आंटी को डाल दो, भगो दो, ऐसा मत करो, फोन भीग जाएगा। राधा जी कुंड है देखो पूरा, ये बच्चे नहा रहे हैं भाई, ऐसा बैठ जाओ आंटी, इस तरीके से बैठो ना, कितने बैठना है वहीं पर, उधर पर मत जाओ, एक बार यहाँ बैठ के ना होते, यहाँ नहा लो बैठ के, बस। दोस्तों हम बता दूँ आपको, मैं आया था वृंदावन और तस्वीरें देख सकते हैं, हम गोवर्धन परिक्रमा लगा रहे हैं, तो हमें पैदल चल नहीं सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, तो इसलिए हमने ई रिक्शा किया था और ई रिक्शे से ही हमने यहाँ पर परंगप्पा लगाई गोवर्धन की। तो रास्ते आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके थे, ये सामने राइट हैंड वाला ये गोवर्धन पर्वत है जिसकी हम परिक्रमा लगा रहे हैं, एक छोटी परिक्रमा होती है एक बड़ी परिक्रमा, तो बड़ी परिक्रमा काफ़ी लंबी चौड़ी है और आपको बता दूँ ये पूरी परिक्रमा गाइस 21 किलोमीटर की होती है, आप पैदल भी लगा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो उस तरीके से आप लगा सकते हैं। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं कि ये परिक्रमा हमारी ख़त्म होने वाली है और आगे आपको गेट मिलेगा और गेट से ही थोड़ा सा और आगे चलेंगे और फिर उसके बाद में परिक्रमा वहाँ पर जाकर ख़त्म होती है गाइस। तो ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ, कंटिन्यू आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। और देख सकते हैं ये है वृंदावन की तस्वीर है गाइस, आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, और देख सकते हैं ये है टेंपल गिरिराज महाराज का, देखिए ये गिरिराज महाराज का है जो ये जो हम परिक्रमा लगाते हैं, तो वहीं की तस्वीरें देख सकते हैं, ये गिरिराज महाराज हैं, ये उनके दर्शन करके ये हमारी परिक्रमा यहाँ पर कुछ बस कंप्लीट हो जाती है, थोड़ी सी बची हुई है और इसके बाद में हमारी कंप्लीट पूरी हो जाएगी परिक्रमा। देखिए ये गिरिराज महाराज के है टेंपल, तो यहाँ पर हमने दर्शन किए और दर्शन करके फिर हम निकल लिए आगे के लिए, तो तस्वीर आप लोग देख सकते हैं कि ये आ जाता है गेट और यहाँ पर जाके ये परिक्रमा ख़त्म हो जाती है गाइस। तो ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही ब्लॉग्स में आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो।